दोस्तों सूर्य कुमार यादव स्काई की आस्तारी करने वालों में कपिल देव से लेकर वीरेंद्र सहवाग जैसे लेजेंडरी प्लेयर शामिल हैं और आज तो कई हलकों में यह भी सवाल है कि क्या स्काई अभी तक की सबसे बेहतरीन बल्लेबाजों में एक हैं। लेकिन दोस्तों इस खिलाड़ी ने 30 की उम्र में डेब्यू किया था। जब लोग अपना करियर खत्म करने वाले होते हैं तब अगर किसी को डेब्यू का मौका दिया जाए तो समझ लीजिए कि उसकी ज़िंदगी इतनी आसान नहीं है। दोस्तों आखिर क्या वो चीज़ है जो इतने बेहतरीन बल्लेबाज को सबकी नज़रों से दूर रखा गया? आखिर सूर्य कुमार ने कैसे सबको हैंडल किया, यही जानने की कोशिश करेंगे हम आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखते रहें। और हाँ दोस्तों, वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए आए हों और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी ऑन कर दें। दोस्तों कई लोगों को लगता है कि सूर्य कुमार यादव मुंबई से हैं, लेकिन दरअसल उन्होंने अपनी ज़िंदगी के पहले 10 साल वाराणसी में बिताए हैं और उसके बाद 10 साल की उम्र में उनकी फैमिली मुंबई शिफ्ट हो गई थी। यहां पर सूर्य के पापा ने उनके अंदर क्रिकेट को लेकर एक फैशन देखा और डिसाइड किया कि वो उन्हें क्रिकेट एकेडमी में डालेंगे। 12 साल के स्काई को बेंग सर्कल एकेडमी में डाल दिया गया, जिसे भारत के फॉर्मर टेस्ट कप्तान और चेयरमैन और सेलेक्टर दिलीप बेंग सर्कल चलाते थे। 11 फरवरी 2010 के दिन पहली बार सूर्य को मुंबई के लिए वनडे मैच खेलने का मौका मिला, जिसमें उन्होंने 41 रन बनाए और टीम और मैच गुजरात से जीत गई। उस समय सूर्य के साथ वसीम जाफर और अजीत अगरकर जैसे खिलाड़ी भी टीम में खेल रहे थे। इसके बाद सूर्य ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में डेब्यू किया। सूर्य कुमार ने उस साल MH चिदंबरम ट्रॉफी भी जीती थी। सूर्य ने रणजी में भी एक अच्छा खासा रन बनाना स्टार्ट कर दिया और दोस्तों उन्होंने पहला सीजन 2010-11 में खेला, जिसमें उन्होंने सिर्फ 73 रन बनाए, लेकिन अगले ही सीजन में उन्होंने 9 मैचेस में 754 रन ठोक दिए और टीम के लीडिंग स्कोरर बन गए थे। इन 9 मैचेस में उन्होंने ओडिशा के खिलाफ एक डबल सेंचुरी भी जड़ी थी। लेकिन सूर्य कुमार यादव को उनकी असली पहचान IPL से मिली, इसीलिए उसकी बात किए बिना रहा नहीं जा सकता। सूर्य कुमार यादव को सबसे पहले मुंबई इंडियंस ने 2012 में पिक किया था, लेकिन मुंबई इंडियंस में ये इश्यूज थे कि वहाँ पर ऑलरेडी सचिन तेंदुलकर, रिकी पोंटिंग, पोलार्ड और रोहित शर्मा जैसे प्लेयर्स मौजूद थे, इसलिए स्काई अभी प्लेइंग 11 में फिट नहीं हो रहे थे। उन्हें इस पूरे सीजन में सिर्फ एक ही मैच खिलाया गया था। इस मैच में स्काई ने 4 गेंदें खेली और 0 के स्कोर पर पवेलियन लौट गए। इस शुरुआत में स्काई की कोई गलती नहीं थी और ना ही उन्हें मौके मिले थे। इसके अलावा बाकी टीम्स ने भी उन पर इंटरेस्ट नहीं दिखाया और 2013 में वो अनसोल्ड रहे। दोस्तों इस तरह की घटना किसी भी क्रिकेटर्स का दिल तोड़ सकती है, लेकिन अब जो हो गया था वो हो गया था। सूर्य ने सबको साइड लाइन किया और दोबारा से मेहनत में जुट गए। 2013 में उन्हें इंडिया अंडर 23 की कैप्टनसी करने का मौका मिला और इस टीम ने एशिया क्रिकेट इमर्जिंग कप भी जीता। इस सब को देखते हुए अगले साल IPL दोबारा से आया और दोबारा से ऑप्शन में सूर्य कुमार को उम्मीद थी, लेकिन मुंबई इंडियंस ने स्काई में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया, बल्कि उन्हें कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से 70 लाख का कॉन्ट्रैक्ट मिला। दोस्तों KKR ने सूर्य कुमार यादव को बहुत बड़ा रोल अभी तक नहीं दिया था, उन्हें एक 7 नंबर बैट्समैन के रूप में टीम में रखा था जो आखिर में आकर कुछ बड़े हिट लगा सके। ये रोल उस समय उतना बड़ा नहीं था और सूर्य कुमार की तरफ से कभी कोई मैच विनिंग परफॉर्मेंस नहीं देखी गई थी, लेकिन KKR उस साल बहुत स्ट्रॉन्ग टीम थी और वो फाइनल में पहुँच कर चैंपियन भी बनी थी। इस सीजन के एंड तक सूर्य कुमार यादव का बैटिंग एवरेज सिर्फ रॉबिन मुथप्पा से कम था और उनके पास एक IPL टाइटल भी था। ऐसा लग रहा था कि उनकी गाड़ी दोबारा से पटरी पर आने वाली है। 2015 का IPL सूर्य कुमार के लिए काफ़ी अलग रहा और अभी भी KKR का हिस्सा थे, लेकिन इस सीज़न KKR की परफॉर्मेंस काफ़ी ख़राब रही। लेकिन इस सीज़न में हाईलाइट रही सूर्य कुमार यादव की 20 गेंदों पर 46 रन की पारी जो कि मुंबई के खिलाफ आई थी। इसके बाद कई सीजन में हमने देखा कि मुंबई इंडियंस के खिलाफ स्काई हमेशा से ही बेहतरीन परफॉर्मेंस करते नजर आ रहे थे। 2015 से 2017 तक स्काई ने KKR में अपनी जगह काफ़ी मजबूत कर ली थी और अब लोग उनका नाम जानने लगे थे। कोलकाता के लिए उन्होंने अपना आखिरी मैच 2017 में मुंबई के खिलाफ ही खेला था, जहां उन्होंने 31 रन मारे थे, लेकिन टीम हार गई थी। 2018 में एक बार फिर ऑप्शन में स्काई का नाम आया, लेकिन इस बार रूम के अंदर
एक अलग ही एनर्जी आ गई थी, क्योंकि केकेआर दिल्ली और मुंबई इंडियंस तीनों ही टीम सब सूर्य कुमार के लिए ऑप्शन में फाइट कर रही थी और कोहली की रकम उसी होती जा रही थी और आखिर में ये रेट 3,20,00,000 रुपए पर ख़त्म हुआ। और दोस्तों स्काई दोबारा से मुंबई इंडियंस में लौट गए। मुंबई इंडियंस में स्काई की एंट्री करते ही 4 नंबर पर खेलना उन्होंने शुरू किया। इस साल उन्होंने मुंबई इंडियंस के लिए 36.57 एवरेज से 512 रन बनाए और वो अपनी टीम के लिए हाईएस्ट रनर्स स्कोरर बन गए थे। इसके बाद अगले 4 साल में मुंबई इंडियंस के टाइटल नाम किए अपने। और दोस्तों सभी सीजन में स्काई का रोल बहुत ही अहम माना गया था, लेकिन इसके बाद भी उन्हें नेशनल टीम में नहीं लिया जा रहा था। उन्हें टीम में ना लिए जाने की खबर पूरे इंटरनेट पर ट्रेंड करने लगी थी और सभी को लगता था कि उन्हें टीम में लिया जाना चाहिए। खुद मुंबई इंडियंस के कैप्टन रोहित शर्मा ने पोस्ट मैच इंटरव्यू में कहा था कि अब स्काई इंटरनेशनल मैच खेलना डिजर्व करते हैं, खैर लेकिन 2022 में उन्हें इंग्लैंड के खिलाफ होने वाले T20 में डेब्यू करने का मौका मिला। सूर्य ने इस डेब्यू मैच को अपने ही अंदाज में खेला और आज 45 T20 मैचेस खेलने के बाद उनका एवरेज 46.41 है और वहीं पर 180.34 स्ट्राइक रेट के साथ दुनिया के सबसे ज़्यादा स्ट्राइक रेट वाले प्लेयर्स होने का रिकॉर्ड भी रखते हैं। लेकिन 2023 में एक बहुत बड़ी परेशानी का सामना स्काई को करना पड़ रहा है। स्काई जैसे प्लेयर्स को देखकर लगता है कि वो किसी भी टीम में अपना जगह बना सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। इस साल ODI वर्ल्ड कप होने वाला है और कॉमन सेंस ये कहती है कि स्काई को वर्ल्ड कप टीम का हिस्सा होना चाहिए, लेकिन आइए पहले प्लेइंग 11 को देखते हैं। ओपनिंग रोहित शर्मा के साथ या तो ईशान किशन होंगे या फिर सुमन गिल होंगे। दोस्तों 3 नंबर पर विराट कोहली हैं और वहीं पर 4 नंबर पर शेष अय्यर हैं। दोस्तों वहीं पर 5 पर KL राहुल और 6 पर हार्दिक पांड्या। इस बार हम 7 पर रविंद्र जडेजा या फिर अक्षय पटेल जैसे कोई प्लेयर्स को देख सकते हैं। अब बचते हैं 4 स्कॉट, जिसमें से दोस्तों 1 तो स्पिनर हो गए और 3 फास्टर बॉलर। अब बताइए आप ही इसमें सूर्य कुमार कहाँ फिट होते हैं। अब विराट कोहली और श्रेयस अय्यर को तो इस वक्त टीम से किसी भी हालत में निकाला नहीं जा सकता है और KL राहुल पर अभी भी टीम को भरोसा है। साथ ही दोस्तों अगर KL राहुल को टीम में नहीं रखा गया तो फिर ईशान किशन को खेलना बहुत ही ज़रूरी हो जाएगा, वरना टीम के पास कोई विकेट कीपर ही नहीं बचेगा। स्काई को खेलने का अभी जो सबसे आसान तरीका नज़र आता है वो है रोहित शर्मा के साथ KL राहुल को दोबारा से ओपनिंग करने के लिए बोला जाए, जिसमें 5 नंबर वाला स्लॉट खाली हो जाएगा और यहाँ पर सूर्य कुमार को प्लेस किया जा सकता है। दोस्तों इसमें सिर्फ ये परेशानी है कि क्या KL राहुल ओपनिंग करना चाहेंगे। तो दोस्तों इसके साथ ही इंडिया के पास अब उतना मैचेस भी नहीं है कि वो अपने प्लान को चेंज करें। और हाँ दोस्तों अब अगला वर्ल्ड कप 2027 में होना है, तो दोस्तों इस साल ही सूर्य कुमार यादव को खेलना बहुत ही ज़रूरी है। अब देखना है कि चयनकर्ता सूर्य कुमार यादव को किस तरीके से मैनेज करते हैं और हाँ किस जगह पर उनको फिट करते हैं। तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताएं और ये बताएं कि क्या सूर्य कुमार इस सीज़न में वर्ल्ड कप खेलेंगे और हाँ किस नंबर पे वो खेलेंगे, ये भी हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर दें और हाँ चैनल पे नए आए हों तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किए हों तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी ऑन कर दें ताकि हमारी नई वीडियो जब भी अपलोड हो आपको आसानी से मिल सके। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, बने रहिए आप लोग हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।